हमारे हाथों में पूरी बॉडी को संचालित करने के सभी चैनल हैं। तो हमें यह समझना है कि हमारे हाथों में सब कुछ है, इन हाथों में, समझ आ रहा है? जिनके पास हाथ हैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझें और वो अपने हाथों का आज उपयोग करेंगे अच्छे से, ठीक है ना? कैसे करना? हमारे हाथों में कुछ ऐसी जगह हैं, पॉइंट्स हैं, जो मैंने बहुत सारे डॉक्टरों से कंसल्ट करके और बहुत सारे लोगों से समझ करके आपको एक आज एक नई चीज़ देने जा रहा हूँ। ये समझा है कि बहुत से लोग इन चीज़ों को नहीं करते, इस कारण से परेशान होते हैं। कई बार आप देखोगे जॉइंट्स पेन होते हैं बहुत से लोगों को, कमर का दर्द है, घुटने का दर्द है, किसी भी तरीके के कहीं भी जॉइंट्स हैं, उन जॉइंट्स में पेन आ जाता है। आपको मैं एक एक्सरसाइज बता रहा हूं कि अगर आप ये करोगे तो आपको जॉइंट्स पेन नहीं होंगे। आप देखोगे कि कभी भी आप अगर अपने हाथों का उपयोग करते हो तो पूरे हाथ का उपयोग तो कर लेते हो, लेकिन उंगलियों के बीच में जो स्थान रहता है उसका कभी आप उपयोग नहीं करते हो। ये उंगलियों के बीच का स्थान, समझ आ रहा है? ये अगर हम इसका उपयोग करें तो हम बहुत सारे जॉइंट्स पेन से अपने आप को बचा सकते हैं। और उसके लिए मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, है ना, 10 से 15 बार अथवा जिसकी जितनी क्षमता हो। आप देखोगे आपकी क्षमता धीरे धीरे कम होने लगेगी। अपनी उंगलियों में उंगलियों को फंसा करके आपको जो है इस तरीके से करना है। करके देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, देखो कितना आपके लिए बन रहा है बैलेंस, बन रहा है? ये आप 25 से 30 बार करो इसको, समझ आ रहा है? आपको कभी भी इस तरीके के जॉइंट्स पेन नहीं होंगे, ठीक बात? इसको ऐसे गिनना है। इसमें आज 5 स्टेप आपको दे रहा हूं इस हथेलियों के लिए पूरे, इससे ये पूरा जॉइंट्स पेन ठीक होगा, ठीक ना? ऐसा ये, उसके बाद में दूसरा स्टेप, इधर ध्यान देंगे, अपने हाथों की उंगलियों के नीचे हमारे आंख और कान ये सब बने हुए होते हैं। इस साइड में हम देखेंगे पूरा हमारा लीवर है, इंटेस्टाइन है, यहां पर सब कुछ बना हुआ रहता है। और इस साइड हम देखेंगे ये पूरा हमारा हार्ट वगैरह ये सब चीजें काम करती हैं। पैराथायरॉइडिकल और थायरॉइडिकल प्रॉब्लम्स ये पूरी इस अंगूठे और उंगली के पास तक रहती हैं। माने पूरा ओवरऑल ये सारा का सारा हमारा स्टमक है, पूरा हमारा सिस्टम है, भीतर के इनर ऑर्गन्स से इनकी एक्सरसाइज करना, भीतर से पूरा नर्वस सिस्टम, ब्रेन का, हमारे साइनस का सारा सिस्टम इन उंगलियों से और इन हाथों के अंदर सब कुछ जुड़ा हुआ है। आपको एक 5 मिनट की प्रैक्टिस से सब कुछ अच्छा कर लेने का है, ठीक है ना? तो देखो अब क्या करना, अपनी हथेलियों के केवल ये पॉइंट्स मिलाना है, ये यहां पर हमारी आंख और कान सबको स्ट्रांग रखना है अपने को, ये केवल ये मिलाना है। उंगलियां ऊपर, ताली नहीं बजाना अभी, अरे भले आदमी देखो तो ताली नहीं बजाना, हथेलियां भी नहीं लगाना, ताली भी नहीं बजाना, केवल उंगली के नीचे वाले जो ये पर्वत होते हैं इन पर्वतों को पर्वत से टच करना है, बस दम लगाओ जैसे हथौड़ा मार रहे हो, करो। हाँ, ओम अरहम नमः को बोलते जाओ 10 बार, ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। हो गया, ये क्या किया आपने अभी, केवल दूसरा स्टेप किया जो केवल आपने इन पर्वतों को टच करके अपने को एनर्जाइज किया। अब देखो तीसरी स्टेप इसी के साथ ही आती है। यहाँ पर आपकी ये सब पेट की प्रॉब्लम्स, ये सब जो है छोटी आंत बड़ी आंत, है ना, लीवर संबंधी प्रॉब्लम्स, ये सब इससे केवल आपको हथेली यहाँ लगाना है, इसको ठोंकना है, हाथ मजबूत बनाओ। जिसके हाथ जितने मजबूत होंगे उसका शरीर उतना ही मजबूत होगा। पहले के लोग फौलाद के होते थे क्योंकि हाथों से काम करते थे, समझ आ रहा है? कुलाड़ियों से लकड़ी काटते थे, ठोंकते थे, किसानी करते थे, इसलिए मजबूत रहते थे। आज तुम सब लोगों ने अपने हाथ मोबाइल की स्क्रीन टच पर ऐसे ऐसे कर करके सब ऐसे कोमल बना रखे हैं कि सब जब समय से पहले पैरालिसिस के शिकार हो रहे हैं, समझ आ रहा है? तो अपने हाथों को मजबूत बनाओ, ठोंको। अगर तुम्हें कोई घर में काम नहीं है ऐसे ठोंको, ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम, केवल हथेलियों के आगे का हिस्सा, केवल ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। थर्ड स्टेप, ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। ठीक बात, जितनी दिन में आप में सामर्थ्य हो, आपको थकान ना हो, उतना करना, ठीक। तीसरा, चौथा स्टेप, अब इस स्टेप में
आपको पूरी हथेलियां जोड़ करके, अब इसमें देखो ताली बजाने का भी एक ढंग होता है, इस तरीके से आपको क्लैपिंग करना है। हाँ, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, जोर से बजाओ, पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है। जितना भी आपके अंदर टॉक्सिफाइड मैटर होता है, जितनी भी गैस्ट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सब इससे दूर हो जाएंगी, पूरा शरीर आपको हल्का महसूस होगा। हाँ, तेजी से, हाथ में गर्मी आ जाएगी, ऐसा लगेगा हाथ जल रहे हैं, करो घर में बैठ करके आराम से करो। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। ये चौथा स्टेप हुआ, सुन रहे हो? पांचवा, अपनी दोनों उंगलियों को ऐसे फंसाओ, ऐसे, पहले राइट साइड की उंगलियों को प्रेस करना है अपनी लेफ्ट साइड की हथेली के ऊपरी भाग पर, जो भी आपके फंसने के बाद में जो पॉइंट्स आए उनको ढंग से प्रेस करो, दबाओ। ये सब वो पॉइंट्स हैं जो आपके पूरे इनर ऑर्गन सबके लिए, ओवरऑल सबके काम करने वाले हैं, पूरे सब पॉइंट्स को दबाओ। अंगूठे को अंगूठे के पास वाले पॉइंट्स पे दबाओ, अच्छे ढंग से दबाओ, उसके अंदर भी दबाओ, ऐसा, समझ आ रहा है? इसी तरीके से फिर लेफ्ट साइड से इस पॉइंट्स, पूरे ऐसे पॉइंट्स दबाओ। आप देखो किसी भी तरीके की कोई भी बीमारियां हो, लंबे समय से चलने वाली बीमारियां हो, आप देखोगे ये सब अपने आप हील होने लग जाएंगे। करो, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम। अंगूठे को बाहर की हथेली के पास पर भी दबाना है और भीतर भी दबाना है। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। ये पांच आपको आज एक नए प्रोसेस बताया, समझ आ रहा है? इन पांचों स्टेपों को एक बार फिर से ध्यान में रख लो। पहला यू, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। दूसरा केवल उंगलियों के नीचे वाले हिस्से, पर्वतों पर, अभी बहुत सारे लोग सही नहीं समझने लगे, केवल हथेली नहीं दबाना पूरी, केवल ये उंगली के नीचे जो हमारे पर्वत बने होते हैं ना, इन पर्वतों को इन पर्वतों से टकराना। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। तीसरा ये, ठीक बात? चौथा पूरा, बिल्कुल। और पांचवा यू बना करके बस ये दबाना अपने पॉइंट्स को। समय से पहले आपको आने वाले जो रोग हैं उन सब की रिकवरी आपके भीतर होने लग जाएगी, ठीक बात? ये हमें आज एक नया एक्टिवेशन आपके लिए दिया गया है। एक्टिवेशन के इस प्रोसेस में पांच मुद्राएं और ये पांच स्टेप्स हैं।